छोटे मोटे दुकानों का ताला तोड़ने की कौन कहे। चोरों का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि वो सड़क पर स्थित एटीएम में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने से परहेज नहीं कर रहे हैं। दरअसल चोरों ने सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआबाग में स्थित एक्सिस और सखलेनाबाद में स्थित यूको बैंक के एटीएम मशीन में तोड़फोड़ करते हुए चोरी का प्रयास किया है। चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जब इस बात की सूचना पुलिस को दी गई तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों एटीएम को अपने कब्जे में लेते हुए पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम को सूचना दी। आपको बता दें कि बैंक अधिकारियों का कहना है कि कैश का मिलान करने के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि चोर कैश ले गए या नहीं। गौरतलब है कि बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न बैंकों के दर्जनों एटीएम हैं। इन्हीं में से नगर के महुआबाग में स्थित एक्सिस और इससे थोड़ी दूर पर सखलेनाबाद में यूको बैंक का एटीएम है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह एक्सिस बैंक के मकान मालिक रवि सिंह जब टहलने के लिए घर से बाहर निकले तो देखा कि एटीएम का शटर आधा बंद था और एटीएम क्षतिग्रस्त था। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना बैंक मैनेजर को दी। मैनेजर ने पुलिस को घटना से अवगत कराया। वहीं सुबह करीब 9:15 बजे यूको बैंक के आसपास के लोगों ने मैनेजर दीपक तिवारी को एटीएम के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी। जानकारी होने पर दोनों बैंकों के अधिकारियों के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने संबंधितों से पूछताछ करते हुए फॉरेंसिक जांच के लिए एटीएम को अपने कब्जे में ले लिया। इस संबंध में यूको बैंक के मैनेजर दीपक तिवारी ने बताया कि सुबह करीब 9:15 बजे मुझे सूचना मिली कि एटीएम क्षतिग्रस्त है। बताया कि फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच के बाद ही एटीएम खोला जाएगा। टैली करने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि कैश की चोरी हुई है या नहीं। पुलिस की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे का बैकअप देखा जाएगा, शायद उसमें चोरी के प्रयास का फुटेज मिल सके। एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का मौका मुआयना किया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि दोनों एटीएम में चोरों ने चोरी का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। कैश सुरक्षित है, मामले की छानबीन की जा रही है। जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।